इस वन बोन सिमोनिनी रिएक्शन में एस्टर की फॉर्मेशन होगी। देखिए जैसे हमारे पास हंट स्ट्राइकर रिएक्शन है, बोरोडिन हंट स्ट्राइकर रिएक्शन में लगेगी तो सेम उसी तरह से ये सिल्वर सॉल्ट उसमें भी यूज़ करते हैं और इसमें भी सिल्वर सॉल्ट यूज़ करते हैं, बट बोरोडिन हंट स्ट्राइकर में हम यूज़ करते हैं ब्रोमीन, इसमें हम यूज़ करते हैं आयोडीन। तो देखिए यहाँ पे मैं यूज़ करने लगा हूँ सिल्वर सॉल्ट ऑफ, ये सिल्वर सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का विद आयोडीन और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे हम पायरीन भी बोलते हैं। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन, इसके 2 मोल्स यूज करने आएगा क्या सिल्वर और ये आयोडीन। तो इसके देखिए जो हमने आंसर में लिखना वो क्या है, 2 AgI प्लस इसमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का निकलेगा, RC(OO) ये वाला ऑक्सीजन और साथ में ये वाला R, तो ये क्या बन गया हमारे पास एस्टर। तो ये एक कन्वर्जन भी है कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का एस्टर में कन्वर्ट करना, तो इसकी प्रेजेंस बड़ी ज़रूरी है। तो हम वन बॉम सिमोनिनी को अगर नटशेल में देखें तो ये एस्टर की फॉर्मेशन है फ्रॉम इट्स कार्बोक्सिलिक एसिड।